हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अमन और आप लोग देख रहे हैं राइजिंग वुमन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू डू व्हीली इन एनी साइकिल। तो गाइस चलिए चलते पहले साइकिल की तरफ, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि उसमें व्हीली कैसे आप लोगों को करना है। सो गाइस देख सकते हैं, ये है हमारा साइकिल और हम लोग अभी इसमें व्हीली प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कैसे व्हीली को परफॉर्म किया जाता है एक साइकिल में। तो गाइस देख सकते हैं, मेरा साइकिल नॉन गियर साइकिल है, सिंगल गियर है, इसमें गियर वगैरह कुछ नहीं है, सिंगल गियर इसके बोला जाता है। और गाइस देख सकते हैं आगे में सस्पेंशन है। अगर आपका साइकिल में सस्पेंशन नहीं है गाइस, तो आपको इसको व्हीली परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको उसको करना है। तो इसमें इसमें गाइस इजीली पॉपअप हो जाता है, इसलिए मेरा साइकिल में ये वाला है, तो इजीली कर पाते हैं व्हीली को। सो गाइस, हाउ टू डू व्हीली, ये जो आपका ये वीडियो का टॉपिक है, इसको करने के लिए हम लोग को तीन स्टेप्स है। तो गाइस देखिए, फर्स्ट स्टेप्स में हमको क्या करना है कि व्हीली को कैसे पॉपअप करते हैं हम आपको वो बताएं। व्हीली मतलब आपको कैसे कितना हाइट पे ले जाना वो बताएं। और गाइस जो सेकंड स्टेप होगा, उसमें आपको व्हीली को कैसे कंटिन्यू करना है, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको कैसे व्हीली को उठा करके ले जाना है वो आपको बताएंगे। और गाइस जो थर्ड स्टेप होगा, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि व्हीली को मतलब नीचे वापस कैसे करें। उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है गाइस, अगर आपको गलत आप लोग गलत तरीके से करेंगे तो गाइस आपका साइकिल डैमेज हो सकता है, तो गाइस उसको बताएंगे। तो गाइस व्हीली हाउ टू डू व्हीली, आपको व्हीली का स्टेप बताने से पहले हम आपको इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहेंगे जो आपको व्हीली करने से पहले कर लेना चाहिए ताकि आपका व्हीली अच्छा परफॉर्म हो। तो गाइस पहला जो आपका टिप है वो है, आपको जो ये सीट का हाइट है इसको आपको पूरा ऊपर रखना है। अगर आप कभी नहीं व्हीली की हो, आप अगर एक बिगनर हो, तो आपको इसमें हाइट को, व्हीली का हाइट को, मेन सीट का हाइट को आपको बहुत ऊपर तक रखना है। और गाइस आपको ये सीट है इसको आपको ऐसे ऐसे नहीं रखना गाइस, ऐसे नहीं रखना है, आपको इसको ऐसे कर लेना है। जैसे मैंने देख आप लोगों को देखा, जैसे मैंने इसको नीचे करके, आप लोगों को भी ऐसे रखना है। और गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो हमारे टायर की तरफ है। सो गाइस देख सकते हैं, ये जो टायर है मेरा, इसका जो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है हर टायर में, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, इसमें जो प्रेशर लिखा हुआ रहता है गाइस 35। तो आप लोगों को 35 नहीं रख के उसको आपको रखना है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे 35 लिखा हुआ, 35 से 40 इसका नॉर्मल प्रेशर आपको रखना है। लेकिन आपको उतना नहीं रखना गाइस, आपको थोड़ा सा 5 कम रखना है। जैसे कि अगर 35 आपका में दिया हुआ है, तो आप लोग को उसमें रखना है 30। और गाइस इसका आगे पीछे दोनों में आप लोग को रखना है। इसका रखने का भी दो कारण है गाइस। पहला कारण जो है आपका, कि अगर आप इसको कम रखोगे, अगर गाइज आपको इसका हवा आपका कम रहेगा, तो गाइज ये आपका टायर थोड़ा सा फ्लैट रहेगा। और टायर जब फ्लैट रहेगा, तो गाइज आप जब व्हीली परफॉर्म करोगे, तो आपको एक नीचे फ्लैट सरफेस मिलेगा, जिसका वजह से आप व्हीली को बैलेंस इजिली कर पाओगे। और गाइज इसमें जो आपका जो आगे वाला टायर, जब आगे वाला टायर में अगर आप हवा कम रखोगे गाइज, तो आपको इसको खींचने में आसानी होगा, मीन ज्यादा टायर आपका भारी नहीं रहेगा, आप इसको तुरंत व्हीली खींच पाओगे। तो गाइज चलिए चलते हैं व्हीली का स्टेप्स के ऊपर। सो गाइज व्हीली करने का हमारा जो पहला स्टेप है वो गाइज ये है कि आपको व्हीली कैसे पॉपअप करना है। तो गाइज व्हीली पॉपअप करने के लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला जो चीज़ है आपको गाइज अपना जो पैंडल है, पैंडल में आपको ज्यादा प्रेशर देना है और हैंडल में कम। आपको ये नहीं है कि हैंडल से खींचना है, हैंडल से अगर आप खींचोगे गाइज तो आपको बहुत पावर लगेगा, तो आपको वो नहीं करना गाइज। आपको पैंडल से अपना पैर से, जिस पैर में आपका ज्यादा पावर है, जिससे आप मतलब इसको उठा पाओ, उससे आपको करना है। तो गाइज मैं अपना राइट पैर से करता हूँ, आप अपना लेफ्ट पैर से भी कर सकते हो। तो गाइज मैं अपना राइट पैर से इसमें 80% पावर देता हूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और 20% पावर देता हूँ अपना हैंडल से, जिससे क्या होता है गाइज ये इस तरीके से उड़ जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे गाइज कुछ इस तरीके से। तो गाइज आपने देखा कि मैंने कैसे इसको उठा लिया पूरा। तो गाइज आपको भी ऐसे करके पहले इसको प्रैक्टिस करना है गाइज, इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो यह गाइज आपका अच्छा होता जाएगा, और उसके बाद आप अच्छा व्हीली कर पाओगे। गाइज हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो आप लोग देख सकते हैं, जब आप ऐसे करके व्हीली का पोजीशन पे रहोगे इस तरीके से कुछ, तो गाइज आपको क्या करना, अगर ये ज्यादा हाइट पे जाएगा, जैसे कि आप इसको अगर अचानक खींचे, अगर ये ऐसे ज्यादा हाइट पे आ गया, आप पट्टी होने वाले रहोगे, तो गाइज आपको क्या करना है, आपको ब्रेकिंग यूज करना है गाइज। ब्रेकिंग बहुत जरूरी है, ब्रेकिंग बहुत लोग से प्रैक्टिस नहीं हो पाता, हम भी अभी अच्छा से ब्रेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो गाइज आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है, आप प्रैक्टिस करते करते आप इसमें बहुत अच्छे हो जाओगे। जब ये ऊपर जाएगा तो आपको ब्रेकिंग यूज करके नीचे लाना है, और जब गाइज ये ज्यादा नीचे होने लगेगा तो आपको इस तरीके से कुछ पैंडल लेके इसको ऊपर कर देना है। इस तरीके से आप व्हीली पे रहोगे तो इस तरीके से आपको ऊपर कर देना वापस। सो गाइज यही था हमारा स्टेप नंबर 2।
गाइस स्टेप नंबर 3 जो है हमारा वो जब आप डीली करोगे तो उसको कैसे वापस नीचे डाउन करना है। गाइस कोई कोई लोग क्या करते हैं, अचानक से हैंडल को पूरा छोड़ देते हैं और इससे क्या होता है गाइस इस पे बहुत ज्यादा झटका पड़ता है। इससे आपको झटका नहीं देना है, आपको इसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सस्पेंशन या फिर फॉर्क रहेगा वो आपका टूट सकता है या फिर जाम भी हो सकता है। इसका कोई रिस्क नहीं, मतलब उसके आपको रिस्क नहीं देना है गाइस। आपको इसको धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे है कुछ ऐसे आपका इस तरीके से बिजली का पोजिशन पे है तो गाइस आपको इसको धीरे धीरे ऐसे 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 छोड़ना है। धीरे धीरे क्योंकि आपका डाला छोड़ दिया, डाला छोड़ गाइस इसको झटका पड़ेगा और गाइस आपका साइकिल डैमेज हो सकता है। और सेफ्टी पहले जरूरी है तो गाइस आप लोग जूता पहन के जरूर करिएगा, क्योंकि गाइस जूता पहन के अगर आप नहीं करिएगा तो गाइस जब आप पीछे इस तरीके से अगर मान लीजिए आपका क्रैश होता है तो गाइस आपका नाखून निकल सकता है पैर से। और गाइस इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग सब कोई जूता का यूज़ करते हैं, जूता पहन के हम लोग बिजली को परफॉर्म करते हैं। गाइज आई होप कि आपको मेरा स्टेप्स यूजफुल लगा होगा। आप लोग भी इस तरीके से डेली मतलब बिजली अगर प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 हफ्ते में बिजली सीख जाओगे गाइज। और गाइज आप लोग को अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए रहेगा तो गाइज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।